नमस्कार, मैं हूं अनिल पांडे। ASW 24 न्यूज मध्य प्रदेश पर आप सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में एक विशेष परिचर्चा का इन दिनों हम आयोजन कर रहे हैं। खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर और हमारे कार्यक्रम में नए नए मेहमान और अन्य विभिन्न वर्गों से जुड़े हुए यहाँ पर शख्सियत आ रही हैं, जो मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर अपना समर्थन भी दे रही हैं। इस क्षेत्र में क्या रुकावटें आ रही हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर भी वो अपनी राय यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। साथ ही स्टूडियो में मौजूद हमारे अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता, पूर्व जिला अध्यक्ष और जाने माने उद्योगपति कल्याण अग्रवाल जी का हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं क्षेत्र के सुप्रसिद्ध सोनोलॉजिस्ट और पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर मुजालदा जी, हम उनका भी स्वागत करते हैं। एक बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है खरगोन में इन दिनों मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर, और धीरे धीरे ये जन आंदोलन एक बड़ा रूप भी लेता जा रहा है। इसमें एक संघर्ष समिति का जो गठन किया गया है, उन लोगों का ये कहना है कि इस समय कोरोना काल है और अगर ज़रूरत पड़ी तो कोरोना काल के बाद जिला मुख्यालय की जनता, आसपास के क्षेत्र की जनता सड़क पर उतरकर भी मेडिकल कॉलेज की मांग करेगी। और इस बार उन्होंने संकल्प लिया है कि ये मांग मंजूर होना ही चाहिए। मैं कल्याण जी आपसे यही पूछना चाहूँगा कि एक लंबा अनुभव है आपका राजनीति का, सामाजिक सेवा का, क्या प्रजातंत्र में जब जब भी आम जनता को आवश्यकता पड़ती किसी संसाधन की, जीवन उपयोगी संसाधन की, तब उसे आंदोलन की राह पकड़ना पड़ती है? सत्ता में बैठे या जनप्रतिनिधि जो भी हैं, वो संज्ञान क्यों नहीं लेते आखिर, जबकि उनका ये फर्ज है कि आम जनता के प्रति वो सोचें? सबसे पहले तो मैं मेडिकल कॉलेज खरगोन जिला मुख्यालय पर आए उसके लिए जो एक संघर्ष समिति बनी, उसके सभी समर्थकों को बधाई देना चाहूँगा कि एक ऐसा विषय जो खरगोन मुख्यालय के लिए मेडिकल कॉलेज दूर हो गया था, उसे वापस खरगोन लाने में उन्होंने पुरजोर मांग उठाई। आपने कहा कि जनप्रतिनिधियों के होने के बावजूद कोई आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। खरगोन निश्चित रूप से पहचाना जाता है हमारी श्रमशीलता या संघर्षशीलता या हमारे मधुर व्यवहार के लिए या सबको स्वीकार करने के लिए, ये हमारी विशेषता है। हमारे क्षेत्र के लोगों ने, अगर वो श्रमिक हैं तो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, श्रम के माध्यम से महाराष्ट्र और गुजरात देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर श्रम किया है। अगर छात्रों की बात करें तो यहाँ के छात्रों ने इंजीनियर बनकर, डॉक्टर बनकर, वैज्ञानिक बनकर और कलेक्टर बनकर भी, कोई संसाधन यहाँ पर कॉलेज वगैरह नहीं होने के बावजूद, डॉक्टर साहब बैठे हैं खरगोन में कॉलेज नहीं होने के बावजूद, ये देश की सेवा करने में अपना नाम भी कमाया है और सेवा भी कर रहे हैं। हम किसानों की बात करें तो आज पूरे देश में कपास और मिर्च को लेकर हमारे ज़िले का और हमारे क्षेत्र का नाम है ऐसा किसान। उद्योगों की बात करें तो निश्चित खरगोन में बड़े उद्योग चाहे न हों, लेकिन आज खरगोन चारों तरफ चार चार पाँच पाँच किलोमीटर तक हम देखते हैं, मंडियों में जगह नहीं है हम देखते हैं, तो व्यापार बड़ा है। सब ने अपना कहीं ना कहीं योगदान खरगोन को विकास के लिए, पहचान बनाने के लिए दी है। लेकिन निश्चित रूप से राजनीतिक क्षेत्र में हम बात करें तो हम अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाए। जिनको जनता ने भी दिया, जिनको राजनीतिक पार्टी ने भी दिया, पर दुर्भाग्य से वो अपने क्षेत्र का मोह नहीं छोड़ पाए, और उस वजह से जो खरगोन को जिला मुख्यालय होने के कारण, जो खरगोन को भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, जो खरगोन को जन की सुविधा के कारण मिलना चाहिए था, वो उन नेताओं द्वारा अपने क्षेत्र के मोह नहीं छोड़ने के कारण वो वहाँ पर शिफ्ट किया, वो मेडिकल कॉलेज हो या पूर्व में कई संस्थाएँ हों। इस वजह से आंदोलन ही एक रास्ता होता है। जब तक जनता की आवाज़ शासन तक, नेताओं तक नहीं पहुंचती, उस बात का महत्व नहीं होता। इसलिए इस संघर्ष समिति को मैं अपनी ओर से समर्थन भी देता हूं। खरगोन में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और ये आंदोलन
शासन और नेताओं को मजबूर करेगा हमारे सहयोग से कि वो खरगोन में आए। तो डॉक्टर गोविंद जी के पास में जाऊं उससे पहले आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा मैं। आप औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लंबा अनुभव आपका। मैं वही कह रहा हूँ कि खरगोन जिला मुख्यालय जो है या खरगोन जिला जो है, आपने कहा मंडियों में भीड़ है, तो ये खरगोन जिला एक मंडी बन के रह गया। यहाँ व्यापारी आता है, खरीद के चले जाता है, लेकिन यहाँ पे ना उद्योग पनप पाए कॉटन को लेकर, मिर्च को लेकर प्रोसेसिंग या कॉटन की भी प्रोसेसिंग को लेकर ऐसे कोई उद्योग यहाँ पनप नहीं पाए। रिसर्च सेंटर भी कॉटन का एक आया था तो वो मंदसौर चला गया। स्थानीय नेता जो है, स्थानीय प्रतिनिधि जो है, हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे। तो जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा, उद्योग इनसे जुड़े हुए उद्योग यहाँ स्थानीय स्तर पर स्थापित नहीं होंगे, तो रोजगार या जो भावी पीढ़ी है उसके लिए संभावना कैसे पैदा होंगी? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन और इसमें सबसे बड़ी भूमिका मैं मानता हूँ कमजोरी इच्छा शक्ति, वो जनप्रतिनिधियों की कमजोर रही। जिनको हमने चुनकर ऊपर हमारे भले के लिए भेजा, वो हमारे भले के काम साध नहीं पाए। निश्चित रूप से उद्योग जो है, प्रारंभिक उद्योग तो हमारे ज़िले में हैं, किसानों के मेहनत का फल है उस वजह से। लेकिन वैल्यू एडेड, अगर हम यहाँ जिनिंग फैक्ट्री की बात करें तो यहाँ पर कपड़ा बनाना और रेडीमेड गारमेंट्स बनाना या मिर्ची के फाइनल प्रोडक्ट बनाना, वो उद्योग यहाँ नहीं आ पाए हैं। और उसके भी बहुत सारे कारण हैं कि कहीं ना कहीं रेलवे यहाँ नहीं होना, सड़क का सीधा संपर्क नहीं होना। अब चित्तौड़ भुसावल एक मार्ग के रूप में एक शुरुआत हुई है। तो यहाँ की राजनीति में मैंने वही कहा कि जिनको अवसर मिला वो अपने क्षेत्र का मोह नहीं छोड़ पाए। और निश्चित खरगोन के जो नेता, अगर मुख्यालय के हम नेता की बात करें, उस राजनीति का वो भी शिकार हुए। और उसके विरोध में जो आज हम बात कर रहे हैं, जिस समय अगर ये मेडिकल कॉलेज की बात करें उस समय उन्होंने आवाज़ उठाई होती, तो आज वहाँ पर हम महेश्वर की बात करें अगर, कि वहाँ पर जो सेंक्शन हुआ था, आज की परिस्थिति में ये लग रहा है कि वो खरगोन हो सकता है या होगा हम सबकी मांग से और सबके समर्थन से। पर सब लोग उस दिन ये आवाज़ उठाते तो वहाँ पर जिला चिकित्सालय नहीं था, उसकी भौगोलिक परिस्थिति खरगोन जिले से नहीं थी। तो वही बात हुई कि हमारे जो नेता हैं वो अपने क्षेत्र से ऊपर उठते, वो अगर मंत्री बन जाते हैं, अगर उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो वो अपने सिर्फ चुनाव क्षेत्र के नहीं होते, पूरे प्रदेश के होते हैं। और उन्होंने ज़िले का ध्यान रखना था, अभी तक शायद मेडिकल कॉलेज यहाँ चालू हो जाता अगर खरगोन की ओर ये आता तो, क्योंकि सारी परिस्थितियाँ उसके अनुकूल थी। सही कहा आपने। खरगोन जिले में एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि खरगोन जिले के जो महेश्वर में स्वीकृत था मेडिकल कॉलेज, वो शासकीय पत्राचार में, उसको शासन के पत्राचार में निरस्त बताया गया है। अब उसके लिए नए स्थान की घोषणा होना बाकी है और ये जन आंदोलन इसीलिए हो रहा है ताकि वो स्थान खरगोन जिला मुख्यालय हो, क्योंकि भौगोलिक और अन्य जो भी क्षेत्रीय स्थितियाँ हैं उसके अनुसार ये एक उपयुक्त स्थल है। डॉक्टर मुजालदा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा में एक लंबा अनुभव है आपका, आपने इस ज़िले के ग्रामीण अंचलों तक में जाकर के सेवाएं दी है और उत्कृष्ट सेवाएं दी है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं। एक समय के बाद आप राजनीतिक क्षेत्र में पदार्पण किया आपने, और यह आपका एक क्षेत्र में लोकप्रियता ही थी कि कांग्रेस ने आपको सीधे लोकसभा सांसद के पद के लिए प्रत्याशी के रूप में चुना। मैं डॉक्टर गोविंद जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो भी घोषणा पत्र सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करती है तो वो केंद्र को ध्यान में रख के करती है, एक बड़ा बड़ा संदेश होता है एक ग्रामीण अंचलों के लिए, एक सामूहिक पैकेज होता है। लेकिन मेडिकल कॉलेज जो है, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जो बात है, हम निमाड़ या खरगोन जिले की बात करें, ये सीधे सीधे उनमें स्पष्ट नहीं होता। राज्य सरकारें भी जो अपने घोषणा पत्र जारी करती है उसमें नहीं होता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्थानीय उम्मीदवार ने आज तक कभी भी अपने एजेंडे में ये चीज़ शामिल नहीं की, अपने जो चुनावी मैनिफेस्टो है उसमें ये चीज़ शामिल नहीं की कि मैं खरगोन में मेडिकल कॉलेज लेके आऊँगा। जब जनता इस मांग को लेकर खड़ी हुई तब जागे निर्वाचित चयनित जो चयन किए गए जनप्रतिनिधि कि भाई आम जनता ये मांग करती है। तो आखिर ऐसा क्यों रहा, इतने निष्क्रिय हमारे यहाँ उम्मीदवार क्यों आते रहे? धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। ये दूरदर्शिता की कमी बोलेंगे, सिंपल सा एक ही शब्द में यदि बोलूँ मैं तो, कि आगे क्या करना है हमको या हमारी जो दूर की प्लानिंग है उसको उनने ध्यान नहीं रखा।
और तात्कालिक फायदे के लिए, वो तात्कालिक फायदा नेता के लिए क्या हो सकता है, वोट लेना हो सकता है, तो तात्कालिक फायदे के लिए वो अपना काम करते जाते हैं और उसी हिसाब से अपनी व्यूह रचना बनाते हैं और उसी में हमारा जिला कहीं कहीं पिछड़ा हुआ रहा है। लोकसभा के लिए भी देखें तो अपने लोकल जिले से, खरगोन जिले से अभी तक कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं लगा कि जो जीत के आया हो, है ना, तो वो भी एक कारण है, खरगोन का पिछड़ापन का एक कारण हो सकता है। नेता लोगों को थोड़ा सा, जैसे आदरणीय कल्याण भाई ने बोला कि आवागमन के साधन की बात है, तो हमको स्टेप बाय स्टेप यदि काम करते तो मेरे ख्याल से ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। रेलवे एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसकी जो यूटिलिटी है शायद उसके हिसाब से हम थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं कि उनकी ज़्यादा मतलब पूर्ति नहीं कर पाए, ऐसा होगा तो क्यों ना हम रास्ते ही अच्छे बना दें, जैसे भुसावल मार्ग, अभी चित्तौड़ भुसावल मार्ग जो हुआ है इसको फोर लेन कर दें, खंडवा बड़ौदा मार्ग को फोर लेन कर देते हैं, तो ये चीज़ें इनके दिमाग में आना चाहिए थी। यदि यह हो जाता, फोर लेन सीधे होते तो लोगों का आवागमन साधन सुनिश्चित होता कि चलो आसानी से पहुँचेंगे हम। अभी तक तो ये रोड हमको नाले ही रोक लेते थे, वो नहीं बन पाया। अभी पुल बने वो भी ऐसी कंडीशन में है कि टेढ़े वेढ़े करके बना दें, एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो फिर भी जनप्रतिनिधि नहीं बोल रहे हैं। ये हमको थोड़ा सोचना पड़ता है कि आखिर ये रास्ते में निकलते हुए भी नहीं बोलते, क्या कारण है। तो ये मैं सीधा सीधा बोलूँगा कि दूरदर्शिता की कमी है और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए या जो भी है, इस कारण ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ अभी भी, और दूसरा कारण नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी बात है डॉक्टर गोविंद मुजाल्दे, आपने बड़ी साफगोई से ये चीज़ स्वीकार करी कि जो चुनाव में खड़े हो रहे स्थानीय उम्मीदवार हैं, क्षेत्र के उम्मीदवार हैं, उन्होंने सिर्फ अपने नज़दीकी फायदे वोट पाने तक की बात की और वहीं तक वो सीमित रहे। यही कारण रहा कि हमारे यहाँ आज ना तो इंडस्ट्री है, ना बड़े शिक्षा संस्थान है, और ना ही ये मेडिकल कॉलेज के लिए भी आज हमको बड़ी जद्दोजहद करना पड़ रही है। डॉक्टर मुजाल्दे, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि अगर ये मेडिकल कॉलेज पहले यहाँ आ गई होती तो कोरोना काल में हमारी क्या स्थिति होती और वर्तमान में हम कितने आगे और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में हम आगे बढ़ पाते, क्योंकि आपको मालूम है कि पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, कमज़ोर पिछड़े और आर्थिक रूप से बहुत ही विपन्न वर्ग यहाँ रह रहा है। निश्चित ही कोई भी सुविधा होती तो पब्लिक को फ़ायदा तो होता ही है, उसमें कोई दो मत वाली बात नहीं। मेडिकल कॉलेज जैसे खंडवा में है, खंडवा में आज यदि आप जाएँ तो RT-PCR वहीं हो जाती है, रैपिड जो टेस्ट होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, बेड्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, वहाँ पर रेमडेसिविर वगैरह जो इंजेक्शन आवश्यक चीज़ें थी उनकी आवश्यक मतलब अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, वो एक कॉलेज के हिसाब से वहाँ पे सप्लाई होता है और यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के हिसाब से सप्लाई हो रहा है। तो यदि मेडिकल कॉलेज होता तो निश्चित ही आज हमको इतने बुरे दिन नहीं देखना पड़ते और जो हमारे यहाँ डेथ्स वगैरह हुई हो सकता है उनके ऊपर रोक हो सकती थी और कुछ हम बेहतर कर पाते। चूँकि मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर भी ज़्यादा रहते हैं, प्रोफेसर्स रहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स रहते हैं, एसोसिएट रहते हैं, तो हमको ज़्यादा लोग मिल जाते हैं। तो मेडिकल कॉलेज होने से आसपास की जनता को निश्चित ही फायदा मिलता है और खरगोन एक ऐसी जगह है कि पूरे ज़िले का एक सेंटर है एक तरह से, तो बेहतर जगह होती कि भगवानपुरा से उधर सीरल महादेव का भी व्यक्ति आ सकता था, इधर सेगांव के आगे के लोग आ सकते थे, इधर भिकन गाँव से आगे के आ सकते थे, हिरना के भी आ सकते थे, इधर महेश्वर तक के लोग भी आ सकते हैं, कसरात भी, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें जितनी दूर अभी है। और अभी भी हमारा सेंटर खरगोन ठीक चल रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ठीक है, गवर्नमेंट की कंडीशन अभी अच्छी नहीं है। तो यदि कॉलेज होता तो निश्चित ही पब्लिक को फ़ायदा मिलता और पब्लिक को फ़ायदा मिलता, यदि कम लोग ऐसे हताहत होते या कम लोग ज़्यादा बीमार होते तो स्वाभाविक हमारी ग्रोथ भी बढ़ती। बीमारी का और हमारे डेवलपमेंट का सीधा सीधा रिश्ता है। बीमारी एक व्यक्ति को बीमार करती है तो कितने दिनों तक पीछे ले जाती है, कितने सालों तक पीछे ले जाती है, आर्थिक रूप से प्लस फिजिकली मतलब स्वास्थ्य के हिसाब से और साथ में इकोनॉमिक हिसाब से भी, ये अपने पारिवारिक हिसाब से भी। स्वास्थ्य के हिसाब से हम काफ़ी आगे बढ़ गए होते अगर मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ पूर्व में आ चुका होता, कई संसाधन मिलते जैसे डॉक्टर साहब ने हमको बताया। बड़ा ही दुखद है इन विचारों को एक बार फिर से अपने व्यवहार में लाना कि हम आज उसी दुख को झेल रहे हैं मेडिकल कॉलेज की पूर्ति न होने के कारण। कल्याण अग्रवाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, व्यापारिक प्रकोष्ठ में आप जो भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ है उसमें आप प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद पर बैठ चुके हैं और एक व्यापारिक रणनीति जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश को लेकर के तैयार करती है चुनावों में या अपनी कार्य योजना को क्रियान्वित करने के लिए, उसमें आप एक बड़े हिस्सेदार रहे हैं और स्थानीय स्तर पर भी आप व्यापार को काफ़ी नज़दीक से जानते हैं, उद्योगों की अहमियत और उनके बारे में भी आप जानते हैं। खरगोन जिला मुख्यालय एक छोटी सी पहचान लेकर के आज तक चल रहा है, वो भी ऐतिहासिक पहचान है, हमारे पूर्वजों ने नवग्रह मंदिर स्थापित कर दिया तो आज हम जाने पहचाने जा रहे हैं। आप कितना जिम्मेदार मानते हैं आज हम
पहचान नहीं है हमारे पास, हम उस पहचान के मोहताज हैं। स्थानीय प्रतिनिधियों को कितना जिम्मेदार मानते हैं, और मेडिकल कॉलेज की जहां तक हम बात करें कल्याण भाई, तो सीएम खुद आकर के इसका पटाक्षेप क्यों नहीं कर देते, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो मांग है वो एक जायज़ है। दो मेडिकल कॉलेज हमारे हाथ से जा चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? कोई भी बड़े उद्योग अगर किसी क्षेत्र में लगना है तो निश्चित रूप से, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, दूरदृष्टि, राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ ही बड़े उद्योग आते हैं, अन्यथा स्थानीय बाजारों के अनुसार उद्योग वहाँ पर लगते हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि राजनीति का सर्वश्रेष्ठ, हम राजनीति में काम करने वाले कार्यकर्ता बोलो या नेता नहीं दे पाए खरगोन को, मैं ये स्वीकार करता हूँ। दूसरी बात, मेडिकल कॉलेज को मुख्यमंत्री क्यों पटाक्षेप नहीं कर देते, तो जैसे मैं डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूँ कि इस कोरोना काल में आज पूरे देश में, पूरे विश्व में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अवेयरनेस बढ़ी है। एक ऐसा समय है जिसमें जनता भी चाहती है कि स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़े, सरकार भी चाहती है स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ें, एक अनुकूल समय है। निश्चित अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज होता तो इस कोरोना के समय सब लोगों को उसका अतिरिक्त लाभ मिलता, बाहर नहीं जाना पड़ता, भटकना नहीं पड़ता और परिस्थितियाँ कुछ बेहतर होती, पर ये अनुकूल समय है। हमारी मांग निश्चित रूप से यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ, हम भोपाल और दिल्ली स्तर पर जल्दी से जल्दी खरगोन मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो, इसके लिए सब लोग अपना प्रयास करेंगे। हाँ, बहुत ही अच्छी बात आपने कही, और आपने भी ये स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं वही दूर स्थानीय जो हमने जिन भी जनप्रतिनिधियों को यहाँ चुना, अपना महत्वपूर्ण वोट दिया, उन लोगों में दूरदर्शिता की कमी थी, उन्होंने आने वाले इस परिस्थितियों को भांपा नहीं, ना ही उन्होंने इन आवश्यकताओं को कभी देखा, जिसके कारण आज हमको संघर्ष की राह पर चलना पड़ रहा है। आज जनता सड़कों पर उतरने को तैयार है एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मांग को लेकर, और उस मांग को लेकर जो मांग, जो स्वीकृति दो बार उससे मिल करके वापस जा चुकी है, चर्चा यूं ही जारी रहेगी। वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए SW24 न्यूज मध्य प्रदेश। नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो। मैं जो खरगोन में अभियान छेड़ रखा है मेडिकल कॉलेज खोलने का, इसमें ये मानूंगा कि थोड़ा देर कर गए हम लोग, मेरी तन मन धन से इस संगठन को समर्थन है और मैं चाहूँगा कि किसी भी कीमत पे, हर हाल में मेडिकल कॉलेज चाहिए, उसके लिए मैं मेरी तरफ से सर्वस्व योगदान देने के लिए तैयार हूँ। खरगोन नगर में मेडिकल कॉलेज सिर्फ खरगोन ही नहीं, पूरे ज़िले की जनता का अधिकार है, और इस आंदोलन के साथ हैं। जब तक मेडिकल कॉलेज खरगोन में शुरू नहीं होता, मैं सक्रिय रूप से इस आंदोलन के साथ हूँ। खरगोन जिला मुख्यालय पर कॉलेज का होना अति आवश्यक है। हम लोग क्षेत्र के लिए आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आप सभी से निवेदन है, हम लोगों ने अगर ठाना है, हमने संकल्प लिया है, आम जन भी संकल्प ले, खरगोन मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज होना मतलब होना। क्षेत्र के विकास के लिए खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की नितांत आवश्यकता है, और खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज खुलेगा, ये हम सबका संकल्प है, और हम संकल्प के साथ ये कहते हैं कि खरगोन जिला मुख्यालय पर हम मेडिकल कॉलेज लेकर आएंगे। नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में एक विशेष परिचर्चा के तहत इस समय हम चर्चा कर रहे हैं खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज का सच, और हमारे अतिथियों से हम बार बार यही जानने का प्रयास कर रहे हैं, विशेषज्ञों से, कि क्षेत्र के विकास, प्रगति और इस मेडिकल कॉलेज के काम में जो भी आने वाली रुकावट हैं वो कैसे दूर हो सकती है, ये कैसे विकास और प्रगति की ओर जा सकता है, कैसे लक्ष्य में सफलता मिल सकती है। डॉक्टर मुजालदा, अभी इसके पहले हम चर्चा कर रहे थे मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर, आप चिकित्सा के साथ साथ आप चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी सेवाएं दे चुके हैं,
ये कॉलेज यहाँ पर आती है तो इससे क्या लाभ होगा ये भी आपने बताया, आपने ये भी स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं स्थानीय जो जनप्रतिनिधि रहे उनकी निष्क्रियता या दूरदर्शिता का अभाव जो था वो इस सौगात को काफ़ी समय लग गया हमारे यहाँ आने में, और अभी भी उसके लिए हम संघर्षरत हैं। जो संघर्ष समिति बनी है वो चिकित्सा विशेषज्ञों का भी सहयोग ले रही है, अगर कभी ऐसा अवसर आता है और संघर्ष समिति आपको बुलाती है आपके अनुभवों का लाभ लेने के लिए तो आपकी हद तक उनका साथ देने के लिए तैयार है। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मेरे को कोई काम मिले या नहीं मिले तो मेरी तरफ से मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना कर सकता हूँ वो संघर्ष समिति के साथ में जाऊँगा और मेरी जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर करने के लिए तैयार हूँ। व्यक्तिगत तौर से भी मैं आश्वस्त करता हूँ सभी लोगों को कि यदि कॉलेज खुलता और उसमें कोई समस्या रहती है प्रोफेसर वगैरह इनके भी तो हम भी ऑनरेरी बेस पे देने के लिए तैयार रहेंगे सेवा। ऐसा नहीं कि हम पीछे हट जाएंगे, हम दो चार पीरियड के लिए हमको पर डे यदि जाना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि सरकार के पास यदि इंफ्रास्ट्रक्चर अपने स्टाफ की कमी हो तो हम लोग भी करने के लिए तैयार हैं। मैं इंदौर में मेरे को पहले भेजा जा चुका है मेडिकल कॉलेज में, यहाँ पर भी मैं करने के लिए तैयार रहूँगा। इवन मैं तो ये कहता हूँ आज मैं सबके सामने एग्रीमेंट मतलब एक तरह से घोषणा करता हूँ कि मैं खुद ही बिना पैसे के प्रोफेसर के इसमें पढ़ाने के काम में जो भी मेरी आवश्यकता लगेगी मैं करने के लिए तैयार हूँ और मेरे सबके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर मैं तैयार हूँ। भले वो कोई भी उसका श्रेय यदि किसी को जाए तो भी मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, अच्छा काम यदि होता है और श्रेय किसी ले जाना चाहते हैं ले जाए तो उससे अपने कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं हमारे क्षेत्र के लिए मेडिकल कॉलेज यदि खुलता है तो उसके लिए तन मन धन से तैयार हूं और हर तरह की साथ देने के लिए तैयार हूं और अगुवाई करने के लिए भी तैयार हूं। बहुत ही खुशी की बात है कि डॉक्टर मुजालदे ने कहा कि वो अपना जितना भी अनुभव है चिकित्सकीय अनुभव है, उन्होंने जो MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर में एक प्रोफेसर चिकित्सा प्रोफेसर की भूमिका भी वो निभा चुके हैं, उन्होंने कहा कि जब भी स्टाफ की अगर स्थापना होती है और स्टाफ की कमी लगती है तो वो और उनके जो भी संपर्क वाले लोग हैं वो वहाँ सेवाएं देने को तैयार है। यहाँ तक उन्होंने कहा कि वो निशुल्क रूप से और स्वयं अपने तन मन धन को अर्पित करने के लिए तैयार है इस मेडिकल कॉलेज के लिए। ये संघर्ष समिति के लिए और क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है कि आज ऐसे अनुभवी और विशेषज्ञ लोग जो है इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब आपसे ये और पूछना चाहूँगा कि अभी कुछ चर्चाएं चल रही सोशल मीडिया पर कि मेडिकल कॉलेज के लिए पहले से जगह देख ली जाए और दूसरे संसाधन उनको देखा जाए, तो आप मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना वाली बात चली और जो बड़े बड़े मुद्दे उसमें से निकल के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि उन चर्चाओं में एक अनुभव की कमी है, उस जो स्ट्रक्चर डेवलप होना है उसको लेकर के अनुभव नहीं है, तो आप कहाँ तक स्वीकृति की बात मानते हैं कि जल्दी से जल्दी कैसे संचालित यहाँ हो सकता है? स्वीकृति की आवश्यकता है, इसके बाद में कोई बड़ी समस्या नहीं है। आज के ज़माने में जो विश्व स्तर पर जो सिनेरियो चल रहा है, जो हमारे यहाँ का बोला गया कि इतने एकड़ ज़मीन चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, इतना बाहर की जगह नहीं है, कई लोग इस मूड में आ चुके हैं अब कि इसको एक छोटे लेवल पे भी चालू कर सकते हैं। आप देखें जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं इतने इनके पास इतनी ज़मीन नहीं है और इतना ज़्यादा नहीं होने के बावजूद वो इधर उधर का करके और अपना काम चालू करके रखा है, प्रोफेसर होने की पूरी नहीं कमी मतलब उनके पास भी अभी है। तो इसी तरह से यदि मान लो एक बार यदि हमको स्वीकृति मिलती है तो हमको कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसको चालू करने में, और जो हमारे पास अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं ये और यदि कोई कॉलेज बने हुए हैं आसपास कोई जगह हमको खाली मिल जाती है जैसे कन्या कॉलेज है उसमें भी क्लासेस लगा सकते हैं, हमको यदि शुरुआत करने के लिए कहीं पे भी चालू कर सकते हैं, उसके बाद में जब बिल्डिंग बनेगी तब हो जाएगी। तो इसको चालू करने में मैं नहीं सोचता कि कोई ज़्यादा समय लगे, आज घोषणा हुई और यदि तन मन धन से जुड़ जाए हम तो साल भर के अंदर हम अगली क्लास चालू करवा सकते हैं फर्स्ट ईयर की। बहुत ही अच्छी बात है और एक सार्थक आपका संदेश है जो इस आंदोलन में एक नई ऊर्जा पैदा करेगा। आदरणीय कल्याण भैया एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि जब भी इस क्षेत्र में विकास की बात हुई है, इस क्षेत्र में कुछ नया करने की बात हुई है, इस क्षेत्र में एक मजबूत समर्थन की बात हुई प्राप्त करने के लिए, तो हमेशा कल्याण अग्रवाल जी की ओर से इस क्षेत्र की जनता ने उनके चेहरे की ओर देखा है और उन्होंने हमेशा इस क्षेत्र को अपना सब कुछ दिया है, अपना वो सहयोग दिया है जो विकास के लिए किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक होता है। कल्याण भैया एक बार फिर से इस शहर की जनता को आपका समर्थन चाहिए और आपका वो अनुभव भी चाहिए आपके वो, क्योंकि आपने एक लंबा आंदोलन भी किया है, कुछ हमारे यहाँ जो भूसाल अपने चित्तौड़ मार्ग है इसको लेकर के आप आंदोलन भी कर चुके हैं और बड़ी भूमिकाएं आपकी रही हैं, तो क्या वो अनुभव आप इस संघर्ष समिति को देंगे और वो कौन सी चीज़ें हैं जो
इस कार्य को जल्दी से जल्दी सफलता की ओर ले जा सकती है। मैं आपका एक विचार सुनना चाहूँगा और इसे आप अपना संकल्प भी माने। बिल्कुल, मेरा संकल्प है कि खरगोन मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज शीघ्र से शीघ्र उसका काम शुरू हो। और मैंने जैसा पहले भी कहा कि आज सबसे अनुकूल समय है, देश में प्रधानमंत्री प्रत्येक ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा लाल किले से कर चुके हैं। जहां देश में पहले 2-4-5 IIM होते थे, वो आज प्रत्येक देश के स्टेट में एक IIM खुल रहा है। तो जहां सरकार स्वास्थ्य के तरफ इतना ध्यान दे रही है, उसके बावजूद अभी जो कोरोना का समय है, जिसमें ये देखा गया कि देश में हम स्वास्थ्य सेवाओं में ही सबसे कमज़ोर हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर्स की बहुत कमी है। और इसीलिए लगभग मेरे ख्याल से पिछले 4-5 सालों में 300+ मेडिकल कॉलेज देश में खुले हैं। तो ये सारी अनुकूलताएं हैं। अब आवश्यकता ये थी कि हमारे ज़िले में जो एक निर्णय हो गया था, उस निर्णय के कारण मेडिकल कॉलेज के काम में देरी हुई है, उस टेक्निकल के कारण वो आज तक शुरू नहीं हुआ है। तो ये अनुकूल समय है। हम यहाँ सबसे पहले हमने जिले से एक प्रस्ताव भेजना चाहिए, वो दुविधा भी अगर ये जो आज लेटर आया ये सही है कि प्रदेश केंद्र सरकार ने महेश्वर के मेडिकल कॉलेज को अभी स्थगित निरस्त कर दिया है, तो निश्चित रूप से हमने यहाँ जिले से अपना प्रस्ताव प्रदेश को और प्रदेश से दिल्ली को, और इस समय ये बहुत शीघ्र होगा। मैं अपनी तरफ से भोपाल या दिल्ली तक जाना, सांसद जी के साथ और विधायकों के साथ सहयोग से हम निश्चित रूप से बहुत जल्दी ये सफलता हम प्राप्त करेंगे और खरगोन में मेडिकल कॉलेज का जल्दी भूमि पूजन हो, इसके लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं, संकल्प हैं। अभी एक बात और कल्याण जी देखने में आ रही है कि स्थानीय जो जनता है, सांसद कह रहे हैं कि खरगोन जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी, जिला मुख्यालय उन्होंने अभी भी नहीं कहा। हाँ, यहाँ पार्टी संगठन के लोग इस चीज़ को बार बार कह चुके हैं कि सांसद महोदय ने ऐसा कहा है, लेकिन उनके तरफ से अभी स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने भी पत्र दे दिए हैं, और कुछ ऐसे विधायक हैं जिन्होंने कहा भी है, लेकिन अधिकतर जो है सार्वजनिक मंचों पर आकर ये स्पष्ट रूप से कहने से चूक रहे हैं कि खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। दूसरी तरफ एक बात और आई है कि सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री का जो पत्र है, उसमें महेश्वर में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया गया था। कहा यह जा रहा है कि विजयलक्ष्मी साधो प्रदेश सरकार से उसको महेश्वर के लिए स्वीकृत करा रही स्थान को, जबकि ये उस पत्र ने स्पष्ट कर दिया कि उसमें विजयलक्ष्मी साधो की भूमिका कम रही, उसमें केंद्र सरकार की भूमिका थी। लेकिन अब वो निरस्त होने के बाद एक तरह से मामला चला गया है। लेकिन हम कुल मिला के यही कहना चाह रहे हैं कि पक्ष और सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो जनप्रतिनिधि, वो एक मंच पे आने से आज भी क्यों अपने आप को छिटक रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, और आम जनता ये चाह रही है कि कम से कम वो एक स्वर में एक कोई जवाब तो दें। आपने कहा सांसद जी वाली बात, सांसद अपने पूरे संसदीय क्षेत्र के हैं, वो महेश्वर से भी चुनाव लड़ते हैं, वो खरगोन से भी चुनाव लड़ते हैं, इसलिए वो सांसद के रूप में किसी क्षेत्र के साथ पक्षपात नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने निश्चित कहा कि खरगोन के मेडिकल कॉलेज, चूँकि यहाँ की सुविधाएं और यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ की जनता को उसका लाभ मिलने की स्थिति है, तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ और उसको मैं जल्दी से जल्दी स्वीकृत कराने के लिए अपना सहयोग करूँगा। दूसरी बात, विधायक वगैरह की आपने जो बात कही, तो उन्होंने उस समय संज्ञान लेना था। मेरी व्यक्तिगत हमेशा ये बात होती है कि अगर, चूँकि स्वास्थ्य मंत्री थी मैडम साधो और प्रदेश सरकार के सहयोग से, केंद्र सरकार के सहयोग से ये मेडिकल कॉलेज बनना था, और स्वास्थ्य मंत्री होने के कारण उन्होंने अपने वीटो का उपयोग करके उसको महेश्वर में किया, वहाँ 300 बेड का हॉस्पिटल नहीं है, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ नहीं होने की वजह से वो लेट हो रहा है। उस समय जनप्रतिनिधि जो सांसद विधायक लोग हैं, वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मजबूरी होती है अपने वरिष्ठ, चूँकि वो वरिष्ठ नेता हैं, उनके खिलाफ नहीं बोलना एक कोई भी राजनीति में, वो उनकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, मैंने पहले भी कहा, अब अगर वो सब लोग साथ में हम हैं तो निश्चित रूप से खरगोन के लिए हम इस सफलता को प्राप्त करेंगे।
डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर दोनों पार्टी के नेता एक मंच पर आ जाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का तो भाजपा और कांग्रेस दो ही पक्ष विपक्ष मुख्य पक्ष और विपक्ष रहे हैं अभी तक आज़ादी के बाद से, तो ये दोनों नेता अगर आके एक मंच से ये घोषणा कर देते हैं कि खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी, तो संशय कहाँ रह जाता है? ये इतनी लंबी परिचर्चा या एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो रहा है, आखिर क्यों भाई? ये इन नेताओं के कहने के बाद भी आज संघर्ष समिति जो है वो अपनी पूरी तैयारी में जुटी है, नहीं आज भी ये भय है कि ये जनप्रतिनिधि क्या मालूम अपने कहे पे कायम रहते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी भी इन्होंने अर्धसत्य ही बोला है। एक्चुअली में क्या है कि हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा स्वार्थी होता है ना, और हर एक चाहता है कि श्रेय मेरे को मिले। नेता लोगों की एक आदत रहती है आमतौर पर कि श्रेय मुझे मिले, और यही सबसे बड़ा एक रोड़ा है इनके एक मंच पर आने में, कि ऐसा लगता है कि आज यदि बीजेपी सरकार है तो बीजेपी के खाते में उपलब्धि चली जाएगी, तो ये एक समस्या जाती है। तो मेरा दोनों पार्टी के लोगों से अनुरोध रहेगा कि यहाँ व्यक्तिगत चीज़ें छोड़ दें, और जब संघर्ष समिति गठित हो गई है तो हमको एक तरह से संघर्ष समिति पर सब छोड़ देना चाहिए। संघर्ष समिति के जो बैनर है उसके तले हमको जाना चाहिए, हम कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के, और दोनों उस तरफ जाए, सांसद भी जाए तो उनके साथ में जाए, विधायक भी जाए तो उनके साथ में जाए, और वहाँ पर एक प्रतिनिधित्व जो रहेगा वो सिर्फ संघर्ष समिति का रहेगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि प्रतिनिधित्व जो विधायक जो भी रहेंगे उनको अलग से किसी को श्रेय ले जाने की बात नहीं होगी। अभी एक दिन पेपर में पढ़ा था मैंने कि सीटी स्कैन का कि सांसद महोदय ने स्वीकृत करवाई, अब लोगों को मालूम नहीं हो, बोलेंगे हाँ यार हुई होगी, लेकिन ये करीब 5-6 साल पहले से चलते आ रहा है। 10-10 के क्लस्टर में अलग अलग दी थी सीटी स्कैन के लिए टेंडर निकाले थे, एक ने लिया था, उसने खंडवा और कुछ जगह मतलब 8-10 जगह कर दी, बाकी जगह के जो टेंडर पूरे नहीं हो पाए थे। अब ये आवश्यकता पड़ी इसलिए उसको फिर नए सिरे से लाए, तो इसमें इस तरह से श्रेय लेने जब चले जाते हैं लोग तो वो एक समस्या खड़ी हो जाती। तो मेरा दोनों पार्टी के नेताओं से निवेदन है कि बिल्कुल श्रेय की चिंता नहीं करें। यदि मेरे को आज सांसद महोदय के साथ में जाना पड़े तो मैं सहस्र तैयार हूँ, उनके पीछे खड़े होने के लिए तैयार हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अगुवाई करने के लिए तैयार हूँ, और वो जो बोले करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको श्रेय लेने के लिए थोड़ा सा लोगों को अपना स्वार्थ त्यागना पड़ेगा, ये जनता के हित के लिए और यहाँ के लोकल उसके लिए। तो यदि इस तरह से यदि सब सोचते हैं तो मेरे ख्याल से इसमें कोई समस्या नहीं है, और सब एक मंच पे आके काम भी कर लेंगे, और ये हम सफलता भी प्राप्त कर लेंगे। तो फिर एक बार निवेदन है कि सभी लोग एक साथ जुड़ें संघर्ष समिति के नाम से, और संघर्ष समिति को नए सिरे से गठित करें, एक ऐसे लोगों को वहाँ पर इन्वॉल्व करें जिसमें कि सब अनुभवी लोगों को जो अपनी तरह से सक्षम भी हैं, जिनको थोड़ा ज्ञान भी है उस मामले का, तो हर क्षेत्र के लोग उसमें हों, शिक्षा के हों, चिकित्सा शिक्षा के हों, या नेता हो या किसी पार्टी के हों, सबको, तो उस कंडीशन में यदि हम एक साथ बढ़ते हैं तो ये श्रेय लेने की बात वहाँ ख़त्म हो जाती है, और उस कंडीशन में एक साथ होके और इस चीज़ को हम लिजामा पहना सकते हैं, एक कॉलेज हमारे यहाँ आ सकता है, और यदि कॉलेज आता है तो निश्चित ही सभी को फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि आदिवासी बहुल्य तो आदिवासी लोगों की बात करें हम, सभी को फ़ायदा होगा। आदिवासी का तो नाम चलता है, बाकी आज जो भी आता है तो आदिवासियों को कोई ऐसा था नहीं कि स्पेशल उसके लिए मिल जाएगा, तो आदिवासियों का नाम लेना कोई बुरा नहीं है, लेकिन एक बात कर रहा हूँ मैं कि आदिवासियों के नाम से हम मांग रहे हैं, आप सिर्फ आदिवासियों के नाम से मांग रहे हैं तो उसके लिए कुछ फ़ायदा मिला? पक्ष और विपक्ष के जो भी शीर्ष नेता, वो दिल्ली के हों, प्रदेश के हों, जब भी वो मंच पर वोट मांगने आए या कोई संबोधन देने आए तो उन्होंने इस क्षेत्र को आदिवासी बहुल कहते हुए इसके लिए बड़ा दुख जाहिर करा, यहाँ संसाधनों की कमी को लेकर बड़े बड़े वादे करे, इसलिए बार बार ये बात सामने आती है कि भाई आपने सिर्फ इनको वोट के लिए इस्तेमाल किया, वक्त आने पर इनके लिए दुख जाहिर करा और फिर मुड़ के भी नहीं देखा। यही मेरा कहना है कि आदि जिसको देखो वो आदिवासी बहुल क्षेत्र, आदिवासी बहुल क्षेत्र आ रहे मेरे भाई, जहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र मेडिकल कॉलेज इंदौर में, वहाँ पे कौन सा आदिवासी वहाँ पे चालू हुआ, तो आप सिंपल सी बोलो, और यदि आदिवासियों का नाम लेते हैं तो कायदे से उनके लिए कुछ फायदे की बात करो, वरीयता इस क्षेत्र को पहले देना चाहिए, और आदिवासियों के लिए हम स्पेशल ये उसमें व्यवस्था करेंगे, यदि ये भी बोलें तो मैं मानूँ कि हाँ यार आदिवासी नाम लेते हैं आदिवासी का, और उल्लू सीधा होता दूसरों का, तो ये हमको पसंद नहीं आता है बार बार नाम लेने का इसका, और नाम लें निश्चित लें, लेकिन उसके लिए फिर हम मेडिकल कॉलेज में इस ग्रुप के लिए, इस समुदाय के लिए हम स्पेशल कोई व्यवस्था करें, उनकी व्यवस्था मतलब प्रायोरिटी दें कुछ, तो हम बात माने, जैसे किसी भी उद्योग में लगाते हैं तो क्षेत्रीय लोगों को कुछ फायदा देते हैं, ये हाँ उनमें कुछ सीटें भी बेनिफिट मिल जाए, कुछ भी है, अब उनके नाम से यदि ला रहे हैं तो स्वाभाविक है हर कोई चाहेगा कि यार बोले, लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि पूरे समाज के लिए, पूरे खरगोन के लिए, सबके लिए फायदा है, और सीधे सीधे मांग करें इसकी, और ये समिति गठित करें और उसके आधार पर काम चले, तो इसमें कोई अड़चन नहीं आएगी, और यदि इस कंडीशन में होता है तो किसी नेता को भी ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा और सब कुछ ओके रहेगा। आज की इस परिचर्चा में उपस्थित हमारे दोनों मेहमानों ने ये स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है या राजनीतिक स्वार्थ पड़ता है या अपने क्षेत्र को लाभ दिलाने की एक पहल है,
वो कहीं ना कहीं इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना जिला मुख्यालय पर हो इसके आड़े आई, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि सभी नेता, आम जनता, अब एक राय धीरे धीरे बनती जा रही है कि खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। और हमारे दोनों विद्वान अतिथियों ने ये भी बताया कि इस लक्ष्य को पाने के लिए हम कितनी जल्दी क्या करें कि हम इसमें जल्द पहल कर सकते हैं, हम जल्द स्वीकृति ले सकते हैं। साथ ही डॉक्टर बुजालदा ने हमको ये भी बताया कि वर्तमान जो स्ट्रक्चर को लेकर चर्चा की जा रही है उसमें काफ़ी हद तक कुछ चीज़ों को हम फिलहाल में सीमित करके मेडिकल कॉलेज को हम अगर स्वीकृति मिलती है तो जल्द शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा हमको हमारे बीच उपस्थित जो कल्याण अग्रवाल जी हैं उन्होंने भी ये बताया कि वो स्वयं भी तैयार हैं। डॉक्टर मुजालदे ने भी यही कहा कि हम स्वयं भी तैयार हैं अगर संघर्ष समिति इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ती है और जहाँ भी हमारी आवश्यकता होती है हम अपनी सहायता देने को तन मन धन से तैयार हैं। तो एक बहुत ही एक सुखद बात है कि हमारे अतिथियों ने भी ये स्वीकार किया कि हम इस लड़ाई में उनके साथ हैं और ये स्वीकारोक्ति जो है इस आंदोलन को एक बड़ी ताकत देगी। इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि आज जो राजनीतिक जो पक्ष विपक्ष है उन पर ये दबाव पूरी तरह से पड़ चुका है कि अब इस मेडिकल कॉलेज को खरगोन जिला मुख्यालय पर लाना ही होगा, क्योंकि कई हमारे अतिथि स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि अगर ऐसा न हुआ तो इन प्रतिनिधियों को राजनीतिक रूप से या दूसरे सामाजिक रूप से इनको उसकी प्रताड़ना या उसका जो परिणाम है वो झेलना ही पड़ेगा। हम यही चाहेंगे कि ये संघर्ष सफल हो, सही रास्ते पर चले और पूरी तरह से संगठित होकर के जल्द इनको सफलता प्राप्त हो, क्षेत्र में ये सौगात आए। ये चर्चा अगले आने वाले कार्यक्रमों में भी जारी रहेगी और खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज का क्या है सच, ये हम अपने अतिथियों से पूछेंगे। अगले कार्यक्रम तक आप इंतज़ार कीजिए नए अतिथियों के साथ कुछ नए सवालों को लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी।